माय डे वन इन कोलकाता। आज सुबह सुबह सोचा था मैं बहुत सारी जगहों पर जाऊंगी, पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो आज मतलब अभी पूरा पलटन हम निकल पड़े हैं बाजार जाने के लिए। पास में ही बाजार है जहाँ पर हम जाएंगे और ये हमें गाइड करेगी जाने के लिए। तो चलिए जाते हैं बाजार में और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है और हम क्या क्या खरीदते हैं। लेट्स गो। अब कोलकाता के बड़े बड़े फेमस जगहों के बारे में आपको तो पता ही होगा, आप गए भी होंगे या फिर वीडियोस में तो देखा ही होगा, पर आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे जगह जहाँ पर आप शायद ही कभी गए हैं। मैं जा रही हूँ मुकुंदपुर बाजार। ये एक लोकल मार्केट है जो मछलियों के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ मिलती है और साथ में सब्जी फल ये सब तो है ही। और मेरे साथ वीडियो के शुरुआत में अपने जितने भी लोग देखे है सब के सब मछली लवर है। एक टाइम का खाना बिना मछली के वो ठीक से खा भी नहीं पाते। एनीवे, इन सब के बीच मैं पता नहीं कहां से आ गए जो मछली को छूकर भी नहीं देखती, लेकिन उनके साथ मैं जा रही हूँ। अभी थोड़ा बाजार घूम आती हूँ और बिना मछली के भी वहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, तो बाकी मिठाई वगैरह मैं ट्राई कर लूंगी। हम जहाँ पर है अभी मतलब मेरे दीदी का घर, वहाँ से बाजार की दूरी लगभग 1 किलोमीटर या शायद उससे भी कम हो सकती है। तो हमें लगा यहाँ से हम गाड़ी लेकर क्यों जाए, पैदल चलते हैं और अगर सामान ज्यादा हुआ तो आते वक्त ऑटो करके आ जाएंगे। तो बस हम यूं ही इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे और 10 मिनट भी नहीं लगे हम बाजार के सामने पहुंच गए। और ये देखिए कोलकाता की फेमस पीली टैक्सी, आपको अच्छे से दिखाई दिया कि नहीं? रुकिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। Here is Kolkata's famous पीली टैक्सी और साथ में ही बस है। अगर हमें कहीं दूर जाना है तो यहाँ से हम आसानी से जा सकते हैं, पर अभी हमें मार्केट जाना है और यहाँ पर आप गौर से देखिए मछलियाँ उतारी जा रही है गाड़ी से। तो कोलकाता की फेमस मछली देखने के लिए दिल थाम कर बैठी है, और अगर आप एक मछली लवर हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप मछली नहीं खाते हो तब भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप लोग रहेंगे मेरे साथ तब जाकर बनेगी ना बात। इसी बात पर चलिए चलते हैं बाजार के अंदर। बाजार में आते ही सबसे पहले हमें थोड़े बर्तन, सब्जी और फलों की दुकान दिखी। आगे आलू प्याज की दुकान भी है और मेरी बहन सीधे जा रही है मछली बाजार की ओर। अब उससे बड़ा मछली लवर शायद ही दुनिया में कोई होगा, तो चलिए सीधे चलते हैं वहाँ पर। और यहाँ आते ही मैंने जो देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। रुकिए आप सबको भी दिखाती हूँ। सिलचर में मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ, मैं कभी कभी बाजार में जाती हूँ मम्मी के लिए मछली लाने। वहाँ कई सारे बड़े छोटे हर तरह की मछलियाँ मिल जाती है, पर इस बाजार की वाइब भी अलग है। तो चलिए आज आप एक नॉन फिश लवर के नजरों से पूरी फिश मार्केट देखेंगे और फिर अपनी राय मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ सबसे पहले जिसे देख के हमें रुकना ही पड़ा वो है इलिश माछ, पर अभी खरीदना नहीं है, पहले पूरा बाजार थोड़ा घूम लेते हैं, दाम जान लेते हैं और फिर जहाँ से अच्छा लगेगा वही से खरीदेंगे। ये शायद पॉम्फ्रेट मछली है, एक्चुअली मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नाम सही से नहीं पता, पर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर सजा के रखा गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और साथ ही साइड में है जिंदा मछली। अरे ये देखिए यहाँ पर तो मछलियों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मुझे लगा था सिर्फ इंसानों को अस्पताल में ऑक्सीजन दिया जाता है, पर यहाँ इस मार्केट में मछलियों को भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और ये देखिए रंग बिरंगा चिंगड़ी माछ, मैंने ऐसे कलर की चिंगड़ी माछ जिंदगी में कभी नहीं देखा है। और ये साइड में डिजाइनर फिश, शायद इसके स्किन की डिजाइन मनीष मल्होत्रा ने की होगी। एनीवे, अब इतनी सारी मछली देखने के बाद मेरा दिमाग तो घूम चुका है, पता नहीं कौन सी मछली खरीदनी है मेरी बहन को, तो आगे उनके साथ चलते हैं और देखते हैं वो क्या खरीदती है। वैसे आपको कौन सी मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कॉमेंट करके बताए, और साथ ही साथ ये भी बताए इतनी सारी मछलियाँ देखने के बाद अगर आप इस मार्केट में मौजूद होते मतलब अभी जा पाते तो कौन सी मछली खरीदते। एनीवे, अब यहाँ आने के बाद मछली लगभग फाइनल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी मछली है, लेकिन ये बड़ी वाली नहीं, हम लेके जाएंगे इलिश माछ। अरे ये क्या है, बैग में आप देख रहे हो कितनी बड़ी मछली है, शायद कैमरे की नजर से आपको छोटी लगे पर ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। ओ माय गॉड, ये मार्केट एक्चुअली कोलकाता के सारे मार्केट मछलियों के लिए बहुत सही है, और मछली लवर के लिए ये तो एक हेवन है।
यहाँ पर आप देख सकते हो इलिश माछ अभी काटा जा रहा है और ये साइड में देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कितना बड़ा है तो कटे हुए पीस को देखिए, ये कितना बड़ा होगा, कितने किलो का होगा। ओ माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती। हम लगभग सुबह के 9-10 बजे मार्केट में गए थे और देखिए अभी भी यहाँ पर ताजी ताजी मछलियाँ लाया जा रहा है। इसका मतलब ये मार्केट शायद पूरा दिन खुला रहता है। आप जब भी आओ ताजी मछली लेके जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो इलिश माछ काटा जा रहा है। इसका प्राइस पड़ा 1400 पर किलो, ये 1 किलो से ज्यादा था तो हमें देना पड़ा 1500 रुपीज। अब मछली खरीदने के बाद हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे और जाएंगे पता नहीं कहाँ, जा मेरी बहन लेके जाएगी, उसको शायद और भी कुछ सारी चीजें खरीदना है। तो आगे बढ़ते और देखते हैं कहाँ हमें ले जाती है। मछली बाजार घूमते घूमते हमें लगभग 1 घंटा लग गया। अब पता नहीं यहाँ पर कितनी देर और लगेगी। और जब भी आप बाजार में जाओ फुर्सत से जाओ, बहुत ज्यादा टाइम होना चाहिए तब जाकर शांति से सामान खरीदा जा सकता है। और आज हम सब के पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो बस यूं ही चलते चलते फल सब्जियां ये सब देखते देखते और थोड़ी बहुत खरीदारी करते हुए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ शौक शौक में उनके साथ तो आ गई, पर अगर मुझे पता होता यहाँ इतना टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटा तो हो चुका है हमें यहाँ आए हुए, आगे पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, तो शायद मैं नहीं आती। और जब मैंने इस बात की जिक्र की कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तब मुझे यहाँ पर रिश्वत दिया गया। चलिए मैं आपको इस रिश्वत के बारे में बताती हूँ। ये है कोलकाता की फेमस रबड़ी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और आप सबको तो पता ही है कोलकाता मिठाई के लिए कितना फेमस है, और यहाँ का मिठाई ट्राई करना, आई वॉज सो एक्साइटेड, मुझे करना था ये कब से। और ये खाने के बाद मुझे लगा सच में कोलकाता की मिठाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब एक रबड़ी से मेरा क्या ही होता। तो यहाँ हमने मंगवाई हींग कचौड़ी और ये इतना ज्यादा अमेजिंग था। इस दुकान की हर एक सामान बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और शायद इसीलिए दीदी हमें यहाँ पर लेके गई है। हम सब घर से बस खाना खा के ही गए थे तो हमने अलग अलग नहीं 2 प्लेट ही मंगवाई, जिससे हम सब ने शेयर कर लिया। और यहाँ पर जितने सारे मिठाई थे जो मुझे देख के अच्छा लग रहा था सारे मैंने ट्राई की। अब बाजार में बहुत सारा टाइम बिताने के बाद आप सबको लग रहा होगा हमने बस अपने बैग उठाए और घर चले आए। अरे रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। बाजार के बाद शहर का नजारा देखते हुए हम यहाँ से आगे बढ़े और आप देख सकते हो बारिश भी हुई है जो हमें यहाँ आने से रोकने में असफल रही है। तो जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे उसी रास्ते पर हम वापस मुड़ चुके हैं घर जाने के लिए। पर जाते समय फल भी तो खरीदना चाहिए, तो यहाँ पर लिया जा रहा है बहुत सारा फल, क्योंकि अपने कर्मों का फल मिलने में काफी टाइम लग जाता है, तब तक इन मीठे फलों से काम चलाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ अच्छे से हमारी शॉपिंग हो गई। और इस बाजार में ऐसा भी बहुत कुछ था जो हमारे बाजारों में नहीं मिलता है। तो उन सारी चीजों को जो हमारे बाजारों में नॉर्मली नहीं मिलता है, उन सारी चीजों को देखने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और फिर मेरी नजर पड़ी इस पे। यहाँ बिल्ली रानी मौके का इंतजार करते हुए कब उसे मौका मिले और वो वहाँ से मछली चुरा ले, बस इसी फिराक में वो यहाँ पर बैठी हुई है। और तभी मेरी दीदी को याद आया उसे पनीर लेना है मेरे लिए, क्योंकि मैं मछली वगैरह नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए आज बनेगा पनीर, जिसे लाने के लिए हमें अभी पूरा बाजार घूम के जाना पड़ेगा उस जगह पर जिस जगह से हम अभी अभी आए हैं। तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई उस दुकान पर और वहाँ जाके हमें मिला फ्रेश पनीर जो बहुत ही अच्छा था। और साथ में उस दुकान में और भी बहुत कुछ था खाने के लिए, जहाँ हमने ट्राई किया दही बड़ा। अब सच बताओ पेट में जगह ही नहीं बची है। सुबह सुबह हमने नाश्ता किया और फिर हम बाजार आए, यहाँ आकर भी एक के बाद एक खा ही रहे थे। अब मुझे लगता है वापस हम पैदल नहीं जा सकते और जाने से पहले यहाँ से मेरी दीदी ने ले लिया है छोटे छोटे फूलों के पौधे, पता नहीं वो कहाँ पर लगाएगी। अब जहाँ भी लगाए मैं घर पैदल नहीं जा सकती, इसलिए हमने यहाँ पर टॉमटॉम मतलब यहाँ का ई रिक्शा कर लिया। तो बाजार से थक हार के मैं जा रही हूँ घर, मुझे अभी करना है रेस्ट। तो आप लोगों से भी लेती हूँ विदा। आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करें। अब हम पहुँच चुके हैं घर और आगे क्या क्या करेंगे ये सब तो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।